नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग आ चुके हैं? दोस्तों आ जाइए सभी के सभी फटाफट। अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। एक आदर्श कुमार, हेलो 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 आदर्श कुमार जी, आपका स्वागत है। और जो है फटाफट आ जाइए दोस्तों सभी के सभी जल्दी। आज हम लोग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। अभी चार लोग आ चुके हैं दोस्तों, क्या शुरू किया जाए? तो बोलिए आप लोग, क्या शुरू कर दिया जाए आज का क्लास? शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है इस लाइव क्लास में। शुरू कर दिया जाए क्लास, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा है मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आप लोग को इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर दिए आदर्श कुमार, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दिए हैं आदर्श कुमार, ऑप्शन बी एक का बी। चलिए आपने जो है सही बताया आदर्श कुमार जी, इसका आंसर होगा वगई। वगई नदी के किनारे है मदुरै शहर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है डॉटरिंग ऑफ लेफ्ट नीति किसने अपनाई थी? इसका आंसर बताइए दो का। इसको जो है दोस्तों हम लोग कहते हैं हड़प नीति। क्या कहते हैं? हड़प नीति। इसका हिंदी होता है हड़प नीति। ठीक है, आंसर दिए आदर्श कुमार जी, बी बोल रहे हैं, दो का बी। गलत बोल रहे हैं आदर्श कुमार जी, गलत हो गया आपका। शांभवी कश्यप जी, आपका भी गलत हो गया। हड़प नीति है, इसका हिंदी होता है हड़प नीति। दोस्तों क्या होता है? हड़प नीति। तो हाँ आदर्श कुमार जी, इस बार आपका जो है सही हुआ है। यह जो है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने दिया था यह नीति, हड़प नीति। चलिए ऑप्शन सी जो होगा यह करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क से संबंध में टीसीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? शांभवी कश्यप जी, आपका भी सही आंसर है, ऑप्शन सी दिए हैं। संजीत कुमार थर्ड का आंसर बताइए जी। सबसे पहले आंसर दिए आदर्श कुमार जी, आदर्श कुमार जी ऑप्शन ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। और आप लोग भी जो है इसका फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्श कुमार जी आप सही बोल रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा दोस्तों। इसमें कह रहा है पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों थर्मामीटर में जो है कौन से एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले आंसर दिए आदर्श कुमार जी, आदर्श कुमार जी। हाँ आज की इस क्लास में जो है हम लोग जो है इंग्लिश का भी क्वेश्चन लिए हैं। शांभवी कश्यप जी, आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी का भी क्वेश्चन लिए हैं। तो इसका आंसर दिए आदर्श कुमार, ऑप्शन बी मरकरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मरकरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, शांभवी कश्यप जी आपका रॉन्ग हो गया, इसका आंसर होगा मरकरी। क्वेश्चन फाइव देखिएगा, इसमें कह रहा है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? फाइव का आंसर दीजिए फटाफट। फाइव का बी दिए हैं सबसे पहले आदर्श कुमार जी, शांभवी कश्यप जी आप डी बोल रहे हैं, आपका रॉन्ग हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2012। उसके बाद बोले हैं संजीव कुमार, ऑप्शन बी आपका भी जो है सही हो गया। तो आम आदमी पार्टी का जो है गठन 2012 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। इसका जो इनकी संस्थापक का नाम है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। ओके तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा की ओर गौर कीजिएगा आप लोग। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? आप लोगों जो है
इन ऑप्शनों के अनुसार बताना है कि कौन से जो है इनकी प्रधानमंत्री है उसको भारत रत्न दिया गया है। छ का आंसर बताइए, आदर्श कुमार ऑप्शन बी बोल रहे हैं, आदर्श कुमार जी ऑप्शन बी बोल रहे हैं। उसके बाद शांभवी कश्यप जी ऑप्शन बी बोल रहे हैं। बालवीर कुमार छ का डी बोल रहे हैं। बालवीर जी आपका रॉन्ग हो गया, बालवीर जी आपका रॉन्ग हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई को जो है भारत रत्न दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है, बताइए फटाफट। सात का आंसर बताइए आप लोग, सात का ए दिए हैं, सात का ए दिए हैं आदर्श कुमार जी, रॉन्ग हो गया आदर्श कुमार जी, आपका रॉन्ग हो गया। सबसे पहले जो है इसका करेक्ट आंसर दिए हैं शांभवी कश्यप जी, आपका जो है सही हो गया। संजीव कुमार का भी ऑप्शन बी दे रहे हैं, उसका भी जो है सही हो गया। इसका आंसर होगा सॉरी ए ही होगा इसका आंसर। आदर्श कुमार जी आप ए बोल रहे हैं, आपका जो है करेक्ट आंसर होगा दिलवाड़ा का मंदिर, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, सात का ए। ओके, ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। संजीव कुमार जी ऑप्शन बी बोल रहे हैं, हमने जो है यहाँ पे थोड़ा जो है ऑप्शन देने में हमको थोड़ा इनकी मिस्टेक हो गया, तो इसका आंसर होगा ए दिलवाड़ा का मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है एक चम्मच जो पानी में टेढ़ा दिखता है यह जो है किसका उदाहरण है, इसका यह जो है किसका उदाहरण है, आप लोग को जो है इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। आदर्श कुमार जी आठ का बी बोल रहे हैं, आदर्श कुमार जी बी बोल रहे हैं, आगे बताइए और कोई है। बालवीर कुमार आठ का ए बोल रहे हैं, गलत हो गया बालवीर जी, आपका रॉन्ग हो गया। संजीव कुमार जी बी बोल रहे हैं, आपका जो है करेक्ट हो गया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चिलियांवाला युद्ध कब हुआ था, चिलियांवाला युग जो है कब हुआ था दोस्तों, चिलियांवाला युद्ध कब हुआ था बताइए। नौ का बी बोल रहे हैं, सबसे पहले आदर्श कुमार जी शायद बोल रहे हैं, नौ का बी 1849। संजीव कुमार बी बोल रहे हैं, चलिए और कोई है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1849। चलिए अच्छा बात है, इसका आंसर होगा 1849 होगा करेक्ट आंसर, बहुत ही अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, बताइए इसका आंसर। 10 का बताइए आप लोग, 10 का आंसर बताइए, 10 का। शांभवी कश्यप जी बी बोल रहे हैं, आदर्श कुमार डी एकदम करेक्ट है, आदर्श कुमार डी बोल रहे हैं। और कोई है तो फटाफट बोल दीजिए इसका आंसर क्या होगा। संजीव कुमार जी डी बोल रहे हैं, आपका भी जो है सही हो गया। यह जो है इनकी फ्री स्टाइल जो है यह तैराकी से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, 10 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, 11 नंबर चलिएगा दोस्तों। इसमें कह रहा है बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। 11 का आंसर आदर्श कुमार जी बोल रहे हैं, 11 का सी कड़किला। शांभवी कश्यप जी आप बी बोल रहे हैं, आपका रॉन्ग हो गया। आदर्श कुमार जी इसका करेक्ट आंसर दिए हैं ऑप्शन सी कड़िकला। संजीव कुमार जी आपका भी रॉन्ग हो गया, इसका आंसर होगा कड़िकला। क्या होगा कड़िकला, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है, बताइए 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। आदर्श कुमार जी बोल रहे हैं 13 का, हम यहां पे 12 आया, क्वेश्चन तो इनकी 12 नंबर का है, क्वेश्चन 12 का बताइए, क्वेश्चन 12 का क्या होगा। हाँ आदर्श कुमार जी सही बोल रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर्वप्रथम जो है सुपर कंप्यूटर का श्रेणी कौन सा है, ऑप्शन सी
हाँ आपका सही हो गया। संजीव कुमार भी जो है ऑप्शन सी बोल रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, 12 का सी एकदम सही हो गया। बालवीर कुमार तुम बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर बताइए आप लोग फटाफट। सांभवी कश्यप जी आप शायद 12 का बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, गलत हो गया। 12 का जो सी होगा करेक्ट आंसर, 12 का सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 13 में इसका आंसर बताइए, 13 का ए बोल रहे हैं। सबसे पहले आदर्श कुमार जी ए बोल रहे हैं। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। संजीव कुमार जी सी बोल रहे हैं, आपका रॉन्ग हो गया। बालवीर कुमार भी आपका भी रॉन्ग हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चेरोन। यह जो है दोस्तों प्लूटो का जो है उपग्रह है। सर रास्ते में हूँ, सुन रही हूँ रूम पर। ओके 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 पूजा प्रकाश जी, ओके कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, इसमें कह रहा है सिंगापुर का पुराना नाम क्या है, बताइए 14 का सिंगापुर का पुराना नाम क्या है। सांभवी कश्यप जी ए बोल रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हैं आप ए? अच्छा 13 का बोल रहे हैं, हाँ करेक्ट है आपका। चलिए 14 नंबर, 14 का बताइए सिंगापुर का जो है ओल्ड नेम क्या है। आदर्श कुमार जी 14 का ए बोल रहे हैं, आदर्श कुमार जी ए बोल रहे हैं। चलिए और कोई है, सांभवी कश्यप जी सी बोल रहे हैं, सांभवी कश्यप जी सी बोल रहे हैं, रॉन्ग हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा टेमासेक, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा आप लोग। क्षय रोग के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। संजीव कुमार जी आप बोल रहे हैं, 14 का बी बोल रहे हैं, रॉन्ग हो गया। चलिए इसका बताइए, क्षय रोग के विरुद्ध जो है कौन से वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का डी बोल रहे हैं आदर्श जी, आप हल्का मिस्टेक कर दिए हैं। सबसे पहले आंसर दिए हैं बालवीर कुमार, आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। बालवीर कुमार जी आपका भी जो है सही आंसर है। उसके बाद दिए हैं सांभवी कश्यप जी, उसके बाद दिए हैं पूजा प्रकाश जी, आपका भी सही हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीसीजी का टीका। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट आइए। इसमें कह रहा दोस्तों, कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास जो है उपलब्ध आय को क्या कहते हैं, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग जो है फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दिए हैं सबसे पहले आदर्श कुमार जी। सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन बोलिए ना। अच्छा, 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर दिए सबसे पहले आदर्श कुमार जी। सांभवी कश्यप जी आपका सी बोल रहे, रॉन्ग हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्श कुमार जी आपका जो है रिस्पांस काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए, इसमें कह रहा है पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इसमें कह रहा है पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी को क्या कहते हैं, इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट दोस्तों। 17 का क्या होगा आंसर, 17 का आदर्श कुमार ए बोल रहे हैं, रॉन्ग हो गया। सबसे पहले आदर्श कुमार जी आप इनकी बी बोल रहे हैं फिर से क्या, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बोल रहे हैं संजीव कुमार जी आपका भी जो है करेक्ट हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है दोस्तों 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। ओके इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट, इसमें कह रहा है तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में क्या सत्य है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। 18 का बताइए आप लोग फटाफट, 18 का बी बोल रहे हैं, 18 का बी, 18 का बी सबसे पहले
शांभवी कश्यप जी बोले हैं। हाँ, 18 का सबसे पहले आंसर दिए हैं शांभवी कश्यप जी, बी बोल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो होती है चोंच, इसके शरीर से भी लंबी होती है हमिंग बर्ड की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दिए हैं बालवीर कुमार जी, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है किसने लाइक क्यूर्स लाइक हेमोपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लाइक क्यूर्स लाइक, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। यह जो है सिद्धांत किसने दिया था। सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, बी बोल रहे हैं। उसके बाद संजीव कुमार जी ए बोल रहे हैं। गलत हो गया संजीव जी, आपका रॉन्ग हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसके सैमुअल हनीमन होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। शांभवी कश्यप जी बी बोल रहे हैं। हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिएगा आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, बी बोल रहे हैं। सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, उसके बाद आए हैं शांभवी कश्यप जी। तो इसका आंसर बोल दूं क्या, आप लोग भी जो है कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। बालवीर कुमार जी ऑप्शन बी बोल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया वंश से यह जो है संबंधित है चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, क्वेश्चन आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है किसने प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह जो है क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों में से कौन इसका सबसे पहले आंसर देंगे। तो सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार, 21 का बी बोल रहे हैं। 21 का बी सबसे पहले आदर्श कुमार जी बोल रहे हैं। और कोई है, और कोई है तो फटाफट बोलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक टेलर। शांभवी कश्यप जी आपका भी जो है आंसर करेक्ट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक टेलर। चलिए संजीव कुमार जी, बालवीर कुमार जी आपका रॉन्ग हो गया, आपका रॉन्ग हो गया बालवीर कुमार जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक टेलर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह क्या नाम दिया गया है। इसका जो है अब क्या नाम दिया गया है ब्रिक्स का। चलिए 22 का सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, 22 का सी। सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, 22 का सी। जो जो करेक्ट आंसर देगा मैं उसका नाम लूंगा। फटाफट बताइए इसका आंसर। और कोई है, सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, 22 का सी बोल रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इसमें कह रहा है ए बी ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ए बी ओ ग्रुप प्रणाली का जो है इनकी खून का जो यह एक प्रकार की प्रणाली है, इसका आविष्कार किसने किया था। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, ऑप्शन सी। सबसे पहले आंसर दे चुके हैं आदर्श कुमार जी। और कोई हैं, और कोई हैं, और कोई हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दिए हैं बालवीर कुमार जी ऑप्शन सी, संजीव कुमार भी जो ऑप्शन सी बोल रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इसमें कह रहा है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, बताइए फटाफट मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, 24 का सी दिए हुए हैं।
सबसे पहले आंसर आ चुका है आदर्श कुमार जी का, बहुत अच्छा। और कोई है क्या? मास प्रति यूनिट जो है वॉल्यूम, यह घनत्व है, क्या है? घनत्व है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजीव कुमार जी आपका भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, ऑप्शन ए बोल रहे हैं। और कोई है क्या? उसके बाद बोल रहे हैं संजीव कुमार जी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोल रहे हैं मैक्स प्लैंक। बताइए रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका आंसर क्या होगा? रॉन्ग हो गया आदर्श कुमार जी, आपका रॉन्ग हो गया। आप थोड़ा और जो है इस पे सोचिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले आंसर दिए हैं शांभवी कश्यप जी, आपका जो आंसर सही हो जाता है हेनरी बेकेरल। चलिए रेडियो सक्रियता की जो है खोज हेनरी बेकेरल ने किया था। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकेरल। शांभवी कश्यप जी आप ए बोल रहे हैं, क्यों? ए नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकेरल होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें ठोस वस्तु सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी 26 का ए, इसका हिंदी नाम होता है ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, सबलीमेशन। संजीव कुमार जी आपका भी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबलीमेशन। 25 का ए नहीं होगा बालवीर कुमार जी, आप रॉन्ग बोल रहे हैं। इसका जो आंसर होता, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकेरल होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट आइए। चलिए अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, ट्विटर जो है किसने स्थापित किया था। ट्विटर, इसका जो है संस्थापक का नाम बताना है आप लोग को, इसका जो है संस्थापक का नाम बताना है। 27 नंबर का बताइए आंसर, क्वेश्चन 27 का आंसर, 27 का डी दिए हैं सबसे पहले आदर्श कुमार जी, आदर्श कुमार जी सबसे पहले आंसर दिए हैं 27 का डी। और कोई है? सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी 27 का डी बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद आए हैं बालवीर कुमार जी, आपका भी जो है यह आंसर सही हो जाता है। इवान विलियम जो है इसके संस्थापक हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इसमें कह रहा है हमारे धरती ग्रह का नाम जो है किस भाषा से उत्पन्न है। क्वेश्चन 28, चलिए फटाफट 28 का आंसर बताइए आप लोग। अट्ठाईस का आंसर सबसे पहले दिए हैं बालवीर कुमार जी, ऑप्शन डी बोल रहे हैं। रॉन्ग हो गया बालवीर कुमार जी, रॉन्ग हो गया आपका, बालवीर कुमार जी रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, करेक्ट आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी। यह जो है दोस्तों अंग्रेजी भाषा से लिया गया है,
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है पृथ्वी यानी कि धरती का नाम। ओके, हमारे ग्रह जो है यानी कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, फटाफट आइए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का विटामिन ए का अच्छा स्रोत। उसके बाद दिए हैं संजीव कुमार भी, आपका भी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। 28 का बताइए फटाफट आंसर क्या होगा, 28 का क्या होगा आंसर? एक मिनट, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? 29 का बी बोल रहे हैं गाजर। बालवीर कुमार जी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। आंसर दिए हैं सबसे पहले बालवीर कुमार जी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा बालवीर कुमार जी। ओके, आदर्श कुमार जी आपका भी जो है सही आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालवीर सॉरी गाजर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? आप लोग को जो है रॉन्ग मतलब इसमें इनकी चूज करना है कि कौन जो है यह उपराष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता नहीं है, वह चूज करना है। अच्छा से इस क्वेश्चन को जो है अच्छा से आप लोग जो है ध्यान देकर बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर फटाफट। चलिए आंसर आया नहीं है अभी तक, चलिए फटाफट 30 का सी दिए हैं सबसे पहले आदर्श कुमार जी, सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दिए हैं संजीव कुमार जी ऑप्शन नंबर बी, रॉन्ग हो गया संजीव जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लोकसभा की सदस्यता का धारक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सदस्यता का धारक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नांकित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? बताइए फटाफट, अनुच्छेद 29 के बारे में आप लोग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद 29 के बारे में आप लोगों से यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो सकता है? बालवीर कुमार जी बोल रहे हैं नेट स्लो हो गया है, बिल्कुल अच्छा आपका स्लो हुआ है नेट का, मेरा तो नहीं हुआ है स्लो शायद, नहीं नहीं शायद आपका हो गया स्लो। 31 का सी दिए हैं सबसे पहले आदर्श कुमार जी 31 का सी बोल रहे हैं, यह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। और कोई है? उसके बाद दिए हैं संजीव कुमार जी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, क्वेश्चन 32 देखिएगा आप लोग, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होते हैं? बताइए, यह क्वेश्चन जो है काफी इजी है, एक वयस्क मानव के शरीर में जो है कितने लीटर खून होते हैं? क्वेश्चन 32 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दिए हैं सबसे पहले आदर्श कुमार जी, शायद सी बोल रहे हैं, हाँ सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, उसके बाद बोल रहे हैं संजीव कुमार डी बोल रहे हैं डी, रॉन्ग हो गया। हमारे शरीर में जो है 4 लीटर ही खून होता है, कितना होता है? 4 लीटर खून होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर संजीव कुमार जी 5 और सॉरी इसका आंसर होगा 5 लीटर, सॉरी इसका आंसर होगा 5 लीटर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा 5 लीटर, क्या होगा? 5 लीटर। तो सबसे पहले आंसर दिए हैं संजीव कुमार जी, ऑप्शन बी दिए हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें कह रहा है MCAFEE क्या है? मैकैफे क्या है दोस्तों, बताइए मैकैफे क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का,
क्वेश्चन नंबर जो है यानी कि 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लीटर जो है खून होता है हमारे शरीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट, इसका आंसर क्या हो सकता है। मैकेफे क्या है दोस्तों? MCAFEE। संजीव, हाँ संजीव जी आप सही बोले हैं, 5 होगा इसका आंसर। 33 का ए बोल रहे हैं सबसे पहले आदर्श कुमार जी, आदर्श कुमार जी ए बोल रहे हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और कोई है क्या? और कोई है तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है चौक का रासायनिक नाम क्या है, चौक का रासायनिक नाम क्या है, आप लोग जो है इसका आंसर फटाफट बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, चौक का रासायनिक नाम। चौक का क्या होगा रासायनिक नाम? अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आ पाया है। इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या मैं बोल दूं, इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो है दोस्तों यह चौक का रासायनिक नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों फटाफट। हाँ आदर्श कुमार जी सही हो आपका, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है 2022 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेले जाएंगे? संजीव कुमार जी 34 का सी बोल रहे हैं, करेक्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, इसमें कह रहा 2022 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल जो है कहाँ खेले जाएंगे, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। सबसे पहले आंसर दिए हैं आदर्श कुमार जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो है तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम खेले जाएंगे। उसके बाद दिए हैं संजीव जी ऑप्शन सी बोल रहे हैं, रॉन्ग हो गया आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मिंघम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, क्वेश्चन आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? चलिए भारत के जो है बंटवारे की घोषणा जो है किस तारीख को की गई थी, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जून 1947 को जो है भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों फटाफट, चलिए सांगपो जो है कहाँ का प्रचलित नाम है? यारलग सांगपो, इसको जो है हम लोग कहते हैं सांगपो, क्या कहते हैं? सांगपो। चलिए बताइए सांगपो जो है वह किसका प्रचलित नाम है? तो यह जो है दोस्तों, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। इसको जो है दोस्तों तिब्बत में जो है सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे मुख्यतः जो है दोस्तों वह किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? नेट स्लो हो गया है। किसका नेट हुआ स्लो? मेरा तो नहीं हुआ है स्लो दोस्तों। 37 का सी दिए हैं सबसे पहले आंसर, सॉरी 37 का सी बोल रहे हैं। हाँ क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों, तारे मुख्यतः जो है वह किससे बने होते हैं? तारे 38 का आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर,
इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइए कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। 39 का आंसर क्या होगा, तो 39 का आंसर दिए हैं सबसे पहले बाटा बम जी, 39 का आंसर दिए हैं सबसे पहले बाटा बम जी, इसका आंसर होगा बैटरी, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बैटरी, तो ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, स्टेनलेस स्टील का जो है आविष्कार किसने किया था, फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले आंसर दिए हैं बाटा बम जी, सबसे पहले आंसर दिए हैं बाटा बम जी, हेनरी बियरली, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, अब जो है दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इंग्लिश का क्वेश्चन की ओर, इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, क्वेश्चन 41 देखिएगा, इसमें कह रहा है इनकी विलोम शब्द पहचाने के लिए अट्रैक्ट का जो है कौन सा होगा विलोम शब्द, तो अट्रैक्ट का हिंदी होता है आक्रमण करना, क्या होता है आक्रमण करना, तो इसका जो हो जाएगा, इसका जो उल्टा हो जाएगा वह हो जाएगा डिफेंस, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिफेंस का, इसका हिंदी होता है प्रतिरक्षा, ओके तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, अनेक शब्द का एक शब्द, क्वेश्चन नंबर 42 चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वंस पर्सन एट ए टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें कह रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें कह रहा है सेलेक्ट द, इसका कह रहा है दोस्तों समानार्थी शब्द खोजने के लिए, समानार्थी शब्द, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट। गिली मतलब होता है, क्या होता है गिली मतलब, गिली मतलब होता है दोस्तों उल्लास या हैप्पी, मतलब इनकी उल्लास या प्रसन्नता, या प्रसन्नता, इसका कह रहा है समानार्थी शब्द, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का आंसर बताइए आप लोग फटाफट दोस्तों, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का, क्वेश्चन 44 का देखिएगा दोस्तों आप लोग फटाफट, इसमें कह रहा है सॉरी यहां पे जो है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स यहां पे होना चाहिए, यहां पे आप लोग को जो है फिल इन द ब्लैंक्स को जो है यहां पे भरना है। आई टोल्ड हिम टू अवॉइड फाइटिंग बट ही वॉन्ट, इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो इसका आंसर दिए हैं सबसे पहले बाटा बम जी, बाटा बम जी इसका जो है आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर सी डू इट, तो खाली स्थान में जो होगा डू इट होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, फटे क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए इसका आंसर आप लोग को जो है चूज करना है।
क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू माइट ऑफेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू माइट ऑफेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आप लोग का नेट काफी स्लो काम कर रहा है। आप लोग जो है फिर से वीडियो को ओपन कीजिए। आप लोग जो है काफी यानी कि पीछे हैं, आप लोग काफी पीछे हैं। आप लोग जो है मैं सबका नाम बोलूंगा, आप लोग जो है काफी पीछे हैं दोस्तों। वीडियो को जो है काट के आप लोग जो है फिर से बोलिए, सॉरी, आप लोग जो है वीडियो को फिर से ओपन कीजिए दोस्तों। आदर्श कुमार जी, आप जो है वीडियो को फिर से ओपन कीजिए, आप लोग जो है काफी पीछे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा दोस्तों। हाँ, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दिए आदर्श कुमार जी। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिलो, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, 47 की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। आप लोग जो है वीडियो को फिर से काट के जो है ओपन कीजिए। आप लोग जो है काफी पीछे हैं। इसमें क्या होगा, कहां पे जो है ग्रामेटिकली एरर है, कहां पे जो है रॉन्ग दिया हुआ है दोस्तों। आई एम फास्टली एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। तो यहां पे रॉन्ग है, आई एम फास्टली पे रॉन्ग है दोस्तों। तो यहां पे क्या होगा, 47 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 47 का आई एम फास्टली, यह जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई एम फास्टली। इसके स्थान पे होगा आई एम भेरी। क्या होगा, आई एम भेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आप लोग जो है काफी स्लो हैं दोस्तों। आप लोग जो है वीडियो को काट के फिर से ओपन कीजिए वीडियो को, या वीडियो को जो है फिर से ओपन कीजिए, ठीक है। आदर्श कुमार जी आपका, हाँ आदर्श कुमार जी आपका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जो है इसका आंसर बताइए। इसमें आप लोगों को जो है प्री पोजिशन को भरना है, इसमें आप लोगों को प्री पोजिशन को भरना है ऑप्शन के अनुसार। 48 का बताइए, 48 का बताइए क्या होगा। आदर्श जी आप जो है काफी पीछे हैं। 48 का क्या होगा आंसर? तो 48 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। खाली स्थान पे होगा टू होगा, क्या होगा, टू। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू। 48 का सी बोल रहे हैं सबसे पहले, जी हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर जी, 48 का, हाँ इसके खाली स्थान पे होगा टू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। चलिए इसमें आप लोग को जो है चूज करना है कि कौन सा वर्ड जो है करेक्ट है। 49 नंबर में आ जाइए। आप लोग जो है वीडियो को फिर से ओपन कीजिए। काफी आप लोग यानी मतलब पीछे हैं, आप लोग जो है काफी पीछे हैं। 49 का बताइए, 49 का बताइए आप लोग आंसर। करेक्ट वर्ड को बताना है, मैं आप लोग का जो है आंसर का इंतजार कर रहा हूं। अभी तक तो शहीद सबरी जी सी होगा, 49 का सी बोले हैं सबसे पहले। क्या नाम, शहीद सबरी जी, मैं आपका नाम का यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है सही से नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिएगा दोस्तों। सबरी जी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। तो 49 का जो है ऑप्शन नंबर
49 का सी नहीं होगा दोस्तों, 49 का होगा ऑप्शन नंबर ए हो, करेक्ट आंसर होगा। उनचास का आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके चलिए, REMBERANC ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, इसमें कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेंस। अनेक शब्द का एक शब्द आप लोग को बताना है, अनेक शब्द का जो है एक शब्द आप लोग को बताना है। सादिक सबरी, अच्छा अच्छा सॉरी सादिक सबरी जी, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर अभी तक तो नहीं आया है। रवि कुमार जी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, रवि कुमार जी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। और कोई है सबसे पहले आंसर दिए हैं रवि कुमार जी, ओके। सादिक सबरी जी मैं आपका जो है नाम समझ गया हूं, ओके कोई बात नहीं। सबसे पहले आंसर दिए हैं रवि कुमार जी, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आज हम लोग जो है दोस्तों कुल 50 क्वेश्चन किए हैं, और जो है कल वाले वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों हिंदी का भी जो है क्वेश्चन को शामिल करने वाले हैं, ओके। कल वाले वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों हिंदी का भी जो है क्वेश्चन को शामिल करने वाले हैं, ओके। चलिए आप लोग को जो है वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल वाले वीडियो में। आप लोग जो है समय पर आइए, 7 बजे आप लोग का जो है इनकी समय है, 7 बजे मैं आप लोग के लिए लाइव क्लास करवाता हूँ, तो आप लोग जो है समय पर आए 7 बजे, ओके। 7 बजे जो है कल मैं आप लोग के लिए हिंदी का भी क्वेश्चन बताऊंगा, ओके। हिंदी का भी जो है क्वेश्चन कल मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों सर हाँ 7 बजे है टाइम, 7 बजे है टाइम लाइव क्लास का जो है, 7 बजे है टाइम आप लोग का, ओके। सादिक साबरी जी 7 बजे है टाइम, 49 क्वेश्चन राइट है, ओके। आदर्श कुमार जी बहुत अच्छा, आदर्श कुमार जी का जो है 49 क्वेश्चन सही हुआ है, बहुत ही अच्छा दोस्तों, आदर्श कुमार का जो है 49 क्वेश्चन सही हुआ है। आप लोग जो अपना अपना स्कोर हमें कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या बोल रही है पूजा प्रकाश जी, सॉरी गुरु जी हम आंसर नहीं दे पाए बट क्लास में ही थे, ओके कोई बात नहीं है, कल जो है कल से आप लोग जो है आइएगा अच्छा से, ओके कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है पूजा प्रकाश जी। उसके बाद बोल रहे हैं केवल एक ही लाइव क्लास होगा सर या कोई और, एक ही अभी जो है फिलहाल मात्र एक ही है, 7 बजे है एक ही मैं करवाता हूं अभी फिलहाल लाइव क्लास, ओके। आदर्श कुमार जी का 49 करेक्ट आंसर है, अच्छी बात है, आप लोग जो है और मेहनत कीजिए, और कोई दिक्कत है तो है तो बताइए दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। लाइव क्लास को जो है लाइव क्लास का समय है 7 बजे, ओके 7 बजे आप लोग जो है आ जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।